एचएल टीवी न्यूज। हरियाणा में चल रहे जाट आंदोलन का असर अब पंजाब के जाट समुदाय में भी देखने को मिल रहा है। जाट महासभा के अध्यक्ष कुशलदीप सिंह ढिल्लों के घर पर हुई एक मीटिंग दौरान उन्होंने पंजाब सरकार से आरक्षण की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि सभी राज्यों में किसानों को पिछड़ी जाति के आधार पर आरक्षण दिया जाता है, परंतु पंजाब में अभी तक इसका ऐलान नहीं किया गया। जाट महासभा पंजाब के अध्यक्ष कुशलदीप सिंह ढिल्लों ने कहा कि सेंट्रल सरकार ने 2014 में देश के सभी किसानों को ओबीसी की श्रेणी में रखने का ऐलान किया था, जिसको सभी राज्यों की सरकारों ने लागू कर दिया, परंतु पंजाब सरकार ने अभी तक इसको लागू नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम ये भी मांग करते हैं कि जो भी जाति के लोग आर्थिक तौर पर कमजोर हैं, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर पंजाब सरकार किसानों के साथ अन्याय करेगी तो हमें कोई भी कदम उठाना पड़ सकता है। देखो, जिहड़ा हरियाणा विच अंदोलन हो रहा है, वह भी अंदोलन एक फ्रस्ट्रेशन का हिस्सा है, क्योंकि ये 2014 में सेंटर की सरकार ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जट्टा राखवाकरण दिता सी ओबीसी कैटेगरी में। ओबीसी कैटेगरी का सब तो वधिया गल है कि वह आर्थिक आधार पर तुम्हें रिजर्वेशन मिलती है, आर्थिकता के आधार पर, यह नहीं है कि हरेक नूं मिल जाती। जिहड़े बंदे घरों सौखे है, उन्होंने को पैसे है, उन्होंने नहीं मिलती, सिर्फ लोड़वंद लोग है जो वाकई गरीब है उन्होंने मिलती है। सो असी भी उस गल का समर्थन कर रहे थे, पर बदकिस्मती की गल है, कल्ले पंजाब श्रोमणी अकाली दल की सरकार ने, प्रकाश सिंह बादल ने नोटिफिकेशन नहीं की, बाकी सारे सूबे नोटिफिकेशन हो गई सी, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, दिल्ली, जिदा लाभ सारे जट्टा मिलया, कल्ले पंजाब के जट्टा उस गलों वांझे रह गए। उस तो बाद आके मोदी सरकार ने शरारत नाले केस कराता सुप्रीम कोर्ट से, शरारत नाल स्टे करवाता जान के, उस गल की फ्रस्ट्रेशन सीगी। पर मैं पंजाब सरकार इस गल की मैं वार्निंग देना चाहना कि पिछली बारी भी इन्होंने शरारत की पंजाब के लोगों, तो जे ऐतकी इन्होंने फिर कोशिश की है शरारत करने की, जे जो हिंदुस्तान सारयां मिलेगा साढ़े पंजाब के लोगों भी मिलना चाहिए। पंजाब के लोग वांझे नहीं रहने चाहिए, आपकी कोजी सियासत तो इन्होंने उपर उठना चाहिए, प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल नूं। जे ऐतकी भी इन्होंने उही शरारत की पंजाब के लोगों, तो असी ऐं तकड़े होकर सड़कों पर उतरांगे। फरीदकोट से हलचल टीवी के लिए गुरजीत रुमाना की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हलचल टीवी न्यूज़।